कहते हैं जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। सच है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिन लोगों के साथ आप रहते हो ना, वैसे ही आप बन जाते हो। आपका फ्यूचर कभी भी आपकी स्किल डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि आप किन लोगों के साथ रहते हो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। एक बारिश की बूंद जब आसमान से गर्म तवे पे गिरती है ना, तो वही बूंद भाप बनकर उड़ जाती है। और अगर वही बूंद एक बंजर जमीन पर गिर जाती है ना, तो वो जमीन को उपजाऊ बना देती है। लेकिन वही बारिश की बूंद अगर सीप के मुंह में गिर जाए, तो वही बूंद मोती बन जाती है। दोस्त बूंद तो एक ही थी, लेकिन वो जिन लोगों के साथ रही वो वैसी ही बन गई। इसी प्रकार आपका फ्यूचर भी आपकी संगत डिसाइड करती है। अगर आप किसी चोर के साथ रहते हो तो 90% चांस है कि आप चोर ही बनोगे। अगर आप किसी व्यापारी के साथ रहते हो तो 90% चांस है कि आप व्यापारी ही बनोगे। दोस्त आपकी संगत डिसाइड करेगी कि आप कहाँ जाओगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे पता है कि आपने ये कहानी पहले सुन रखी होगी, तो प्लीज यार ये कहानी एक बार और सुन लीजिए। एक बार एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है और वो बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है। तभी वहां से भेड़ों का एक समूह जा रहा था और वो बच्चा भी उस समूह में मिल गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो बच्चा बड़ा होने लगा। वो बच्चा उन भेड़ों का ही दूध पीता, उन लोगों के साथ ही रहता, यानी कि वो उन भेड़ों को ही अपनी माँ समझता। एक बार जब वो नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी उसने पानी में अपना मुंह देखा और उसे पता लगा कि मैं तो इन जैसा दिखता ही नहीं। तभी दूर से धाड़ने की आवाज आई और तभी उसने देखा कि मैं तो इस जैसा दिखता हूँ। और फिर उसने भी धाड़ लगाई और ऐसी धाड़ लगाई कि सारी भेड़ें वहां से भाग गई। यानी कि संगत में वो ताकत है जो किसी में नहीं है। अगर आपकी संगत बुरी है तो आपको राजा में से भिखारी बनने में भी देर नहीं लगेगी। कई बार हम भी उस शेर की तरह ही गलत माहौल में एंटर कर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आ जाते हैं जो खुद भी सपने नहीं देखते हैं और दूसरों को भी नहीं देखने देते हैं। और इसी वजह से हम अपने अंदर के शेर को कभी जगा नहीं पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ पर आप ही बॉस हो, यानी कि आप ही लीडर हो, आपसे ज्यादा बुद्धिमान उस पूरे ग्रुप में कोई नहीं है, तो मेरी बात मानना, आप उस ग्रुप को तुरंत ही छोड़ दो। क्योंकि वहां पर बाकी लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वहां पर आपके लिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां पर सबसे ज्यादा स्मार्ट तो आप देखोगे, लेकिन आपके लिए वहां पर सीखने के लिए कुछ नहीं होगा। तो आप हमेशा ऐसे ग्रुप में रहिए जहां पर लोग आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड हों, आपसे भी ज्यादा स्किल्स वाले हों, यानी कि आपकी गिनती बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। उन लोगों के पास आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा, आपको अभी संगत का असर पता नहीं है। इंग्लिश में एक फेमस कोट है, इफ यू हैंग विद नॉन रिच पीपल फॉर अ वन ईयर, यानी कि आप एक साल तक नौ रईस लोगों के साथ रहते हो तो एक साल के बाद दसवें रईस आप बन जाओगे। तो संगत का सर समझो। संगत आपको वहां पर ले जा सकती है जहाँ के बारे में आप कभी भी सोच नहीं सकते हो। अगर एक दिन के लिए लोहे को चम्मक के साथ छोड़ दिया जाए, तो लोहे में भी चम्मक उत्पो का गुड़ आ जाता है। तो आप सही लोगों के साथ रहिए, आप ऐसे लोगों को देखिए जो आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो, फिर आप उनके साथ रहिए, तो मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्लीज यार इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी लगी हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में यह जरूर लिख के जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।